Hi friends, welcome to our channel Vidhi Logical. I am Ritu, back with another video, another unboxing come first impression for the hot cake of the market from the Realme brand, that is the Realme 6i. I ordered this on some 2 days ago, got this on today. So with this time, let's move to the main video, main unpackaging and overall review of this phone. So let's get started. So for this time, सब लोग देख सकते हैं जैसा नॉर्मल सा आता है, मुझे टू डे डिलीवरी मुझे मिला है। तो मैंने रियलमी 6i का ब्लैक कलर वर्शन ऑर्डर किया है 6G वेरिएंट में। तो उसको आप लोगों के सामने मैं कटिंग करने जा रहा हूँ उसका, तो आपको कैसा आता है फोन में। सो जस्ट हैव टू कट, सो सिंपल सा पैकेजिंग है एंड इसका मैंने 15,000 ऑर्डर किया एंड साइड दिस वन। सो पैकेजिंग ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं येलो कलर में आता है, मेरा टेबल भी येलो कलर है, तो दोनों में मैचिंग हो गया। तो रियलमी 6i के यहाँ पर ब्रांडिंग दिया हुआ होता है एंड राइट साइड पर भी रियलमी 6i का ब्रांडिंग है, सेम काइंड ऑफ लेफ्ट साइड पर भी। एंड आपको बॉटम ऑफ द फोन में आपको देख सकते हैं आप लोग क्या क्या इसका अंदर मिल जाएगा। तो उसमें कटिंग कर लो तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो लैपटॉप ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसका USB आप लोग क्या क्या मिल जाएगा इसके अंदर में, एवं क्या क्या चीज़ आपको इसके अंदर में मिलेगा। कैमरा आता है 4 कैमरा, आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है, 40 MP मेन सेंसर, इसका अपर्चर आता है 2 f/2 एंड द वाइड एंगल शॉट इज 8 MP, इसका अपर्चर आता है 2.3 एंड 2 MP फॉर ईच फॉर द डेप्थ शॉट एज वेल द मैक्रो शॉट, इसका भी अपर्चर आता है 2.4। तो फ्रंट में आपको 60 MP शूटर मिल जाता है, उसका वेट आता है 191 grams, बैटरी आता है 4300 वाला एंड इसका जो स्क्रीन साइज आता है 6.5 inches का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, मैक्सिमम डिस्प्ले 16,000 में, गॉड रिजोल्यूशन 15,000। इसके अंदर में 1 यूनिट फोन केबल चार्जर सिमिलर टूल सेफ्टी गाइड एंड क्विक गाइड एंड प्रोटेक्टिव केस मिल जाता है, लेकिन केस जो आता है बहुत ही घटिया केस आता है। तो इसके बाद अगर बैक साइड जाएंगे थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत USB यहाँ पर लिखा है। आपको इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाता है 90Hz स्मूथ डिस्प्ले वाला, 30W आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है, बहुत ही सुपर फास्ट चार्ज कर पाएगा। आपको हेलियो का G90T प्रोसेसर मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा T4 Turbo वाला, तो अच्छा प्रोसेसर है। आप लोग 4K शूटिंग भी कर सकते हैं इस प्रोसेसर से एंड 40 MP आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है। तो इसको मैं आपको कॉलिंग टैन, तो अभी बॉक्स ओपन कर ले, सामने येलो आ रहा है। तो इसको अंदर अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर क्या कि मुझे सिलेक्टेड पिन मिल जाता है, एक अच्छा सा केस सम काइंड ऑफ गाइड इसको मैं साइड कर देता हूँ एंड इसको भी मैं बाद में दिखाऊंगा फिट करके मैं फिट होता है कि नहीं होता। एंड उसके बाद आता है फ़ोन का एंड इसको साइड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो हॉक चार्जर आता है 30W, बहुत ही साइज बड़ा है एंड वन प्लस के डेस्क चार्जर की तरह लग रहा है एंड बहुत ही कैची है, देख सकते हैं। एंड रियलमी का ब्रांडिंग दिया हुआ है यहाँ पर एंड 20 गवर्नमेंट का जो स्पेसिफाइड मेंशन है, सर्टिफाइड है। तो इसका रेटिंग क्या आता है, आपको इसका मैक्सिमम आउटपुट आता है 4 एम्पीयर, तो बहुत ही ह्यूज फास्ट चार्ज हो जाएगा ये वाला। तो मैं साइड कर देता हूँ ये वाला। केबल का क्वालिटी मैं दिखाई, तो केबल का क्वालिटी भी अच्छा है एंड बहुत ही थिक है, तो वाला जो ट्रांसमिशन के लिए बहुत अच्छा है, फास्ट ट्रांसमिशन कर जाएगा पावर वाला। तो इसको मैं फ़ोन को अगर ओपन कर लेता हूँ, ओके लुक्स गॉर्जियस, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके सो फोन लुक्स गॉर्जियस, आपको ग्लास बैक पैनल मिल जाता है 2.5D वाला एंड फ्रंट पे आपको 6.5 इंचेस का बूटअप होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको लेफ्ट साइड पे आपको जो है वॉल्यूम बटन सिमिलर टूल मिल जाता है, बॉटम ऑफ द फोन आपको जो है टाइप सी चार्जर स्पीकर एंड सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन एंड हेडफोन जैक मिल जाता है। टॉप ऑफ द फोन आपको जो कुछ नहीं मिल जाता, राइट साइड पे आपको जो पावर बटन का फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है एज वेल आपको बैक में 40 MP मेन सेंसर, 8 MP फॉर द वाइड एंगल एंड 2 MP ईच फॉर द मैक्रो शॉट एज वेल द डेप्थ सेंसर। सिंगल फ्लैश आपको यहाँ पर मिल जाता है, रियलमी का ब्रांडिंग यहाँ पर दिया जाता है, आपको ग्लास बैक पैनल का फिनिशिंग दिया है। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है कम्पेयर टू रेडमी नोट 9 प्रो एंड नोट 9 प्रो मैक्स, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास रेडमी नोट 9 है, तो इसका भी कंपैरिजन आने वाला है दोनों का। आपको बिल्ड क्वालिटी परफॉर्मेंस क्वालिटी कितना अच्छा है, दोनों में सब कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इसको बाद में दिखा दूंगा। तो आपको फोन में आपको जो 60 MP मेन सेंसर मिल जाता है, तो व्यू एंगल इज गुड और द प्राइस ऑफ ₹15,000। तो ये बूटअप होने से पहले मैं इसका मैं दिखा देता हूँ। सो कवर जो फिट हो गए एंड अच्छा वाला कलर दे रहा है, लेकिन ये वाला जो कलर है थोड़ा ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर नहीं है। तो ये वाला अगर येलो भी हो जाए कवर वाला जो जेली कवर, जैसे नॉर्मल से स्वीट्स कवर येलो कलर या फिर रेडिश कलर हो जाता है, तो ये वाला शायद हो सकता है कम
होगा बिकॉज वन प्लस भी मुझको मिला था, वो वाला नहीं हुआ था, लेकिन ये वाला भी मुझे सब ब्लैक कलर में मिला, तो बहुत ही अच्छा पीस साइज लगभग फिट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, फोन ऐसे गिर भी जाता है या साइड से गिर जाता है तो फोन जो ऑटोमेटिक टूट सकता है। तो अच्छा वाला आप लोग एक कवर यूज कीजिएगा, टेम्पल ग्लास यूज कीजिएगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल एक स्क्रीन गार्ड दिया हुआ है, लेकिन ये वाला ऑलरेडी स्क्रेचेस पड़ जाएगा थोड़ा दिन यूज करने के बाद। एंड इसका भी लिंक मैं दे दूंगा आपको, कौन सा कवर या फिर टेम्पल ग्लास आप लोग यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑल्सो यू कैन चेक दिस लिंक्स टू बाय दिस फोन बेल्ट ऑल्सो। तो इसको बूटअप कर लेता हूँ, सो फुली बूटअप हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं जो टिपिकल यूआई आता है नॉर्मल सा आपको रियलमी यूआई जैसा, तो सुपर स्मूथ टच है एंड देख सकते हैं। एंड ओके एंड ड्रॉबैक करेंगे तो ऐसे करके लोग ऐसे कर सकते हैं, आप लोग अच्छे से लोग चेंज भी कर सकते हैं, गॉट इट, सेटिंग्स में जाकर इफेक्ट्स भी आप लोग डाल सकते हैं रोल में। तो ये वाला नॉर्मल से मैं चेंज नहीं अब नहीं कर रहा हूँ, तो सिंपली गो टू द सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जाने से पहले मैं दिखाया, तो इसका आपको आउट ऑफ 120 GB आपको कितना मिल जाता है, एक सॉफ्टवेयर आपको तो मिल ही जाएगा अभी, तो वो वाला बाद में कर लेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कैमरा इंप्रूवमेंट हो जाएगा इसके साथ, डील में लैब बैटरी सिस्टम सेटिंग स्टेटस बार, तो ये वाला मैं बाद में कर लेता हूँ। इससे पहले मैं आपको सेटिंग्स में जाकर दिखाया, तो इसका आपको स्टोरेज कितना मिल जाता है अभी, स्टोरेज तो आउट ऑफ 64 GB आपको जो 12.2 GB यूज़ हुआ है तो 51 GB तक आपको अभी मिल जाता है। एंड इसमें आपको जो टू वेरियंट में आता है 4 GB एंड 64 GB वेरियंट एंड 6 GB 64 GB वेरियंट, मैंने 6 GB 64 GB वेरियंट ऑर्डर किया फॉर रुपीज़ 15,000, दूसरे जो वेरियंट आता है 13,000 में, तो 2,000 ज़्यादा देकर 2 GB ज़्यादा रैम मिल जाए तो बोला अच्छी बात होता है। आप लोग अगर कोशिश कीजिएगा, अगर बजट परमिट हो सके तो 6 GB वेरियंट वाला लीजिएगा, अदरवाइज अगर आपको जो रैम मैनेजमेंट होता है थोड़ा बहुत आपको अच्छे से हो जाएगा। तो अभी मैं इसका USB जो आता है कैमरा का, तो कैमरा में अगर मैं चला जाता हूँ आप लोग देख सकते हैं कैमरा इंटरफेस में क्या आता है, शटर स्पीड इज गुड एंड पोर्ट्रेट शॉट एक ले लेता हूँ मैं, एंड ओके एंड गो टू द फ्रंट कैमरा सेगमेंट, सो ब्यूटी मोड में जो मैं बंद कर देता अभी, नॉर्मल से एक फोटो, सो जो मैंने पिक्चर लिया था आप लोग देख सकते हैं। एंड पिक्चर का जो एजेस जो है बहुत ही अच्छा, आपको डिटेल्स मिल जाता है बहुत अच्छा वाला, कॉम्बो प्राइस रुपीज 15,000 एंड रियल मी 6i, यानी वाला मैंने पोर्ट्रेट शॉट लिया, पोर्ट्रेट शॉट का एजेस देख सकते हैं कितना अच्छे से वाला एजेस जो कैप्चर किया है, आप लोग देख सकते मेरा ईयर्स जो है एजेस जो है अभी हेयर का हेड का तो अच्छे से कैप्चर किया, नहीं वाला मैंने पोर्ट्रेट शॉट लिया, इसका भी एजेस आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से ब्लर किया 14 MP कैमरा से जो इसका, एंड जो डिटेल्स है वो भी बहुत ही अच्छा है, एंड ये वाला भी आप देख सकते हैं, अगर मैं चला जाता हूँ ये वाला इसमें ओके। सो वो फर्स्ट इंप्रेशन इज गुड, मैं इसका कैमरा रिव्यू आने वाला है फॉर द रेडमी नोट 9 के साथ, बिकॉज दोनों का जो आपको इसमें हेलियो का G85% मिल जाता है, आपको यहाँ पर हेलियो का G92% मिल जाता है दोनों में, तो डिफरेंस क्या आता है थोड़ा बहुत कंपेरिजन करके दिखाऊंगा कैमरा में या परफॉर्मेंस में। सो वो फर्स्ट इंप्रेशन इज गुड एंड लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं रियलमी फ़ोन, जो नॉर्मली रेडमी फ़ोन से आपको कैमरा में अच्छा वाला परफॉर्मेंस देता है, मुझको ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू दिस फोन ऑल्सो। एंड इसका व्यू एंगल पर देख सकते कितना अच्छा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपको यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा आता है एंड फिनिशिंग इज गुड ऑल्सो, बिल्ड क्वालिटी इज ऑल्सो टू मच ग्रेट कम्पेयर टू द आपको रेडमी नोट 9 से। रेडमी नोट 9 में आपको नॉर्मल से प्लास्टिक से बैक पैनल मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको ग्लास बैक पैनल मिल जाता है, तो ग्लास बैक पैनल तो देखने में बहुत अच्छा होता है, आपको फिनिशिंग देता है, लेकिन इसमें आपको जो 2.5D का ग्लास का मटेरियल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है फिनिशिंग टच में। सो लुक्स देख सकते कितना अच्छा गॉर्जियस लुकिंग दे रहा है, सो ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन कम द ओवरऑल अनबॉक्सिंग ऑफ दिस फोन रियलमी 6i। अगर आपको प्रोडक्ट लेना है इसका प्रोडक्ट लिंक जो है आपको डिटेल सेक्शन मिल जाएगा, आप लिंक यूज कर सकते हो टू बाय दिस प्रोडक्ट बेस्ड ऑल्सो। इफ आई एम डाउट कोई क्वेश्चन कैन दिस वीडियो लिंक प्रोडक्ट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई लव टू क्लैरिफाई ऑल ऑफ योर क्वेरीज। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक द बटन, इफ यू डू नॉट लाइक द वीडियो यू कैन ऑल्सो डिसलाइक द वीडियो, बिफोर डिसलाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर एडवाइस मी व्हिच वन आई हैव टू इंप्रूव। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब मी, प्रमोट मी इन ऑल फ्रेंड सर्कल्स, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, सो गुड बाय, टेक केयर।